एक डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर को दी जाती थी, आज उतनी ही वैल्यू एक आर्टिस्ट की भी की जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही आर्ट के बारे में बताएंगे जिसे शायद आप अपना करियर भी बना लें। हम आज बात करेंगे फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी अब एक किसी इवेंट की फोटोज खींचने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उससे भी आगे बढ़ चुकी है। अगर ये वीडियो लड़कियां भी देख रही हैं, तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में जितना नाम लड़कों ने कमाया है, उतना नाम लड़कियों ने भी कमाया है और सारी सफलता हासिल की है। पूरी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इस वीडियो को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी वार्ता और मैं हूँ आपके साथ विनायका शर्मा। मास मीडिया व एडवर्टाइजिंग में फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा महत्व है और वो महत्व कैसे है जानेंगे आज हम इस वीडियो में। आप सबने बहुत बार सुना होगा कि एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। पर एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर कैसे बनती है, उसके पीछे छिपी होती हैं बहुत सारी टेक्निक्स जो कि फोटो खींचने के लिए जरूरी है, जो कि है शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, वाइट बैलेंस, रूल ऑफ थर्ड, डेप्थ ऑफ फील्ड एंड फोटो एंगल, जिन सब की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि क्या प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए डिग्री की जरूरत है, तो हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि इसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस या फिर कोर्सेज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे देश में फोटोग्राफी के काफी कोर्सेज उपलब्ध हैं। लाइट एंड लाइफ अकेडमी ऊटी, ये इंस्टीट्यूट आपको 2 कोर्सेज ऑफर करता है। पहला है PG डिप्लोमा इन प्रोफेशनल फोटोग्राफी, जो कि 1 साल के लिए है। दूसरा है डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड नेचर फोटोग्राफी, जो कि 6 महीने का कोर्स है। दोनों कोर्स सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा कॉलेज है वो है दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी। ये आपको बेसिक से एडवांस तक 4 कोर्सेज ऑफर करता है। पहला है बेसिक कोर्स, इसमें 2 हफ्ते लगेंगे और इसमें आपको फोटोग्राफी के कुछ बेसिक से स्किल्स सिखाए जाएंगे। दूसरा है फाउंडेशन कोर्स, ये 2 महीने का कोर्स है और इसमें बेसिक से थोड़ा आगे जाया जाएगा और इसमें आपको फोटोग्राफी कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक सिखाई जाएंगी, जैसे लाइटनिंग, एक्सपोजर, पैनोरामा मोड, HDR मोड। ये शब्द आपके लिए काफ़ी नए लग रहे होंगे, पर जो लोग फोटोग्राफी जानते हैं उनके लिए ये शब्द काफ़ी आम है। तीसरा है एडवांस कोर्स, जो कि 1 साल का है। इसमें बच्चों को प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार किया जाता है। और आखिरी कोर्स है वर्कशॉप, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। तो ये थे कुछ कोर्सेस। इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फोटोग्राफी में कोर्सेज ऑफर करती हैं। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंसेस देना पड़ेगा और इस यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी के कोर्सेज हैं BFA एंड MFA इन फोटोग्राफी एंड विजुअल कम्युनिकेशन। इसके अलावा भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो फोटोग्राफी में कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी इन मुंबई, फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल आर्ट एंड एनिमेशन इन कोलकाता। इसके अलावा जो भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं कॉलेजेस द्वारा, उनके लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें। तो ये सब तो हो गई कोर्सेज व कॉलेजेस की बात। अब हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं, जो कि है कैमरा इक्विपमेंट से जुड़ा। हम सब जानते हैं कि DSLR काफ़ी महंगे होते हैं, पर अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो शुरुआत आपको अपने फ़ोन से करनी होगी। अपने फ़ोन के कैमरा को उठाइए और डिफरेंट एंगल से फ़ोटो खींचना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको फोटोग्राफर ही बनना है, तब आप जाकर Nikon, Sony या फिर Canon जैसे ब्रांड्स पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 25,000 से 30,000 तक के ब्रांड्स के कैमरा खरीदें और जब आपको मैनुअल सेटिंग्स पे फोटो खींचना आ जाए, तभी जाकर आप 80,000 से 90,000 रुपए तक के कैमरा भी खरीद सकते हैं। एक खास बात और कि सिर्फ कैमरा लेना ही जरूरी नहीं है, बल्कि ट्राईपॉड, मोनोपॉड और LED लाइट्स भी जरूरी है, पर इनकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी। तो इसीलिए पहले अपने फोन को उठाइए और फोटो खींचना शुरू कर दीजिए। अब हम जान लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफर्स। सबसे पहला है फोटो जर्नलिस्ट। इस तरह के फोटोग्राफर अखबारों के लिए फोटोज खींचते हैं और कोई घटना हुई तो फोटोज खींचने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। दूसरा है फैशन फोटोग्राफर। इस तरह के फोटोग्राफर को स्किल्स के साथ साथ फैशन की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
फोटोग्राफर्स को मॉडल्स की फैशन की तस्वीरें तो खींचनी ही होती है, साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी जैसे घड़ियाँ, बैग्स आदि की भी फोटोज खींचनी पड़ती हैं। अब जान लेते हैं फूड फोटोग्राफर्स के बारे में। फूड फोटोग्राफर्स वो होते हैं जो कि फूड कंपनीज के लिए फोटोज खींचते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट हो सके। अगला है वेडिंग फोटोग्राफर। वेडिंग फोटोग्राफर वो होते हैं जो कि दूल्हा दुल्हन की शादियों पर फोटोज खींचते हैं और उनके नायाब पल अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। कई बार हम कुदरत की कुछ ऐसी फोटोज देख लेते हैं जिसे देखकर हम सोचते हैं कि वाह क्या फोटो है, और हम ये भी सोचते हैं कि आखिर ये फोटो फोटोग्राफर ने खींची कैसी होगी। उसे ही कहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में फोटोग्राफर जंगल में जाकर जीव जंतुओं की फोटोज खींचते हैं और दुनिया सामने उसको रखते हैं। ये काफी हिम्मत भरा काम है, पर जिसमें चाह है वो ये जरूर कर लेता है। अगली फोटोग्राफी है ट्रैवल फोटोग्राफी। जैसा नाम से ही पता चलता है कि फोटोग्राफर इसमें जगह जगह घूमकर अच्छी अच्छी फोटोज खींचता है। इसमें रीति रिवाजों और कस्बों की फोटोज खींची जाती हैं जो कि दुनिया सामने लाई जाती है। तो ये थी कुछ फोटोग्राफी की कैटेगरीज। अब हम जान लेते हैं फोटोग्राफी से जुड़े कुछ कॉम्पिटिशन व अवार्ड्स। बात अगर फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन की करी जाए तो सबसे पहले नाम आता है इंटरनेशनल फोटोग्राफी ग्रांट। उसके बाद नाम आता है नाइकन इंटरनेशनल स्मॉल वर्ल्ड फोटो कॉन्टेस्ट व नेशनल जियोग्राफी फोटो कॉन्टेस्ट। तो ये सब नाम है फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन के बारे में। अब हम चलते हैं फोटोग्राफी के प्रेस्टीजियस अवार्ड्स। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, फिर दूसरे नंबर पर आता है सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी, और तीसरे नंबर पर आता है मोनोविजन फोटोग्राफी अवार्ड। तो ये थे कुछ फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन्स व अवार्ड्स। क्या आप कुछ अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स जीतना चाहते हैं? तो ये देखिए, इस फोटो को मिला है सोनी वर्ल्ड इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड 2018, और इस फोटो को मिला है एनवायरमेंटल फोटोग्राफर ऑफ 2018 का अवार्ड। तो ये थे कुछ अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ्स। डबूरत नानी, अतुल कस्पेकर, राधिका रामास्वामी, केतकी सेठी, सुनील जन्हा, बलजीत सिंह देओल एंड गौरी गिल, इन सब नामों में से एक नाम आपका भी हो सकता है। अगर आप में भी है फोटोग्राफी की वो चाहत तो जरूर इस पैशन को फॉलो करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सुझाव से कोई वीडियो बनाए तो हमारे इंस्टाग्राम व फेसबुक हैंडल पर जरूर मैसेज करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें।